हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं अपने कंप्यूटर के बारे में बताने वाला हूँ, ये मुझे कितने का पड़ा और मुझे क्या क्या मिला है, और ये मैंने दिल्ली से मंगाया, तो दिल्ली से आपको परचेस करना चाहिए या नहीं। तो मैं आपको बता दूँ, ये जो मैंने परचेस किया है ये मैंने सेकेंड हैंड परचेस किया है दिल्ली से। और गाइस, तो अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आपको मैं बता दूँ, ये आप देख रहे हैं बैठक, पहले जब दिखाई थी तो बिल्कुल सिंपल थी, अब तो काफ़ी इसमें हमने अपडेट कर लिया, इसमें चीज़ें लगा ली और पंखे वगैरह सब लाइट वगैरह कर ली, तो अब बहुत अच्छी हो गई है। अब इसमें आराम से वीडियो शूट कर सकते हैं कोई भी। तो अभी हम पहले अपने पीसी को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, हम अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं। तो सबसे पहले हमें अपनी चटकनी को ऑन करना है, और उसके बाद में जब LED में करंट आ जाएगा तब हमें अपने CPU का बटन को ऑन करना है। तो CPU बटन में मैंने एक जुगाड़ कर रखा, जो कि आपको भी करना चाहिए, देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये जो गाइज आपको दिख रहा है, यहाँ पर ओवर बटन है थोड़ा सा, एक्स्ट्रा निकला हुआ जो मैंने खुद ही लगाया लकड़ी का छोटा सा बना के, ताकि ज़्यादा अंदर तक प्रेस न करना ना पड़े। और इससे क्या होता है, थोड़ा करंट का भी मतलब खतरा नहीं होता है मतलब। तो ये मैंने यहाँ लगा रखा, तो अभी हम इसको प्रेस कर देते हैं क्योंकि हमारे LED में करंट आ गया है। तो अभी हमारे इसमें जब तक करंट आता है तब तक हम यहाँ पर थोड़ा सा वेट करते हैं। तो गाइज, यहाँ इसमें करंट आ गया है अभी। तो गाइज, हमारा यहाँ पर PC जो स्टार्ट हो चुका है, और अभी हम इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहले आते हैं अपने डेस्कटॉप पे, और डेस्कटॉप की जो स्क्रीन है वो कितना साइज में आपको बताता हूँ। ये साइज है हमारा 18 इंच का, जो कि ठीक ठाक है, काफ़ी मतलब छोटा नहीं है, बड़ा है। और इसकी रेजोल्यूशन की बात करें तो हमारा 1080p है, तो काफ़ी ठीक है, मतलब HD वीडियो चल जाएगी। तो उसके बाद में आते हैं अपने कीबोर्ड के ऊपर। तो कीबोर्ड जो है हमारा HP कंपनी का, जो कि काफ़ी अच्छी कंपनी का है, और काफ़ी चल भी स्मूथ रहा, मतलब बढ़िया चल रहा है। उसके बाद में आते हैं अपने माउस के ऊपर। तो माउस थोड़ा थर्ड क्वालिटी का है, क्योंकि Lenovo कंपनी का है, जो कि बेस्ट कंपनी नहीं है इस तरह से, तो ये काम भी थोड़ा मतलब ऐसे ही कर रहा है। और इसके बाद में आते हैं CPU पर। तो CPU का जो है, CPU हमारा बहुत अच्छा है, CPU को मैंने मॉडिफाई भी करवाया, और ये स्लिम CPU है, काफ़ी छोटा CPU है। और इसमें मैंने क्या मॉडिफाई करवाया, मैंने इसमें 8 GB की रैम डलवाई है, और गाइज इसमें 256 GB की SSD कार्ड डलवाया, कि हार्ड डिस्क से काफ़ी बेटर है, क्योंकि जो SSD होता है वो हमें अच्छी स्पीड देता है और हार्ड डिस्क स्पीड नहीं देता। तो और जो ग्राफिक कार्ड मैंने लगवाया वो मैंने अलग से परचेज किया, जो कि हमें 6000 रुपीज़ का पड़ा है। तो गाइज, ग्राफिक कार्ड का हटाकर जो मुझे पूरा सेटअप पड़ा है वो मुझे लगभग 21000 रुपीज़ का पड़ा है। तो आप मुझे कमेंट में तो बताना कि मुझे ये कैसे पड़ा। और गाइज, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया। तो गाइज, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, इसका जो प्रोसेसर है वो मेरे पास है i5 6th generation का। तो इस जो रेंज में प्राइस मुझे मिला है, तो आप मुझे कमेंट करके बताना मुझे ये कितना महंगा पड़ा, ये सस्ता पड़ा। तो गाइस, बस इस वीडियो में बस इतना ही था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना।